के श्लोक नंबर में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहां है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी आंखों में आंसू कहते फाई सूरत मलो की देश ए ठगवाड़ा ठगी तेज खरा सियाणा बोता बार रूप रहा करता है अब आपको ये थोड़ा सबक सुनाते पूरा का पूरा एक स्वान दुई स्वानी एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी कुतिया एक सुवान दुई सुहा नाल बल्के भोकाई सदा बियाल ये है पृष्ठ नंबर चौबीस है गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु ग्रंथ साहिब के चौबीस नंबर पृष्ठ पर यह शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है एक सुवान दुई सुवानी नाल बल्के भोकाई सदा बियाल और कूड छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करता है मैं पतकी की पेंदन करने की कार वो बिगड़ रूप रहा विकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते सारे संसार न पार कर दे तेरा एक नाम तारे संसार मैं ऐहि आस एही आधार मुख निंदा आखा दिन रात पर गर जो ही नीच मनात काम करो दी तनु चंडाल ये धानक रूप रहा करता है भाई सूरत मलोक की वेश ओए होए गधेस की मोहनी सूरत है और मलोक की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसे वेश भूसा बना लेता है ये भाई सूरत मलोक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देसे ये खरा सयाना पोता पर ये धानक रूप रहा करता है नानक साहब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करता देखो लोगों धानक रूप रहा करता यो बैठा भगवान दाणस दुलाहे के रूप में अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को वो सतलोक ने देख लेगा मेरे ने सो है मुझ और कह रामानंद तुझे कहो सुन गा त्री गुज अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी रामानंद जी को भी ऐसे लेके स्वामी रामानंद जी का और वहां से वापस छोड़ा था तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाती है आपको धानक रूप रहा करता है फिर है सात पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है एक अरज गुप्तम तोदर तो करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार हक्का कबीर और सत कबीर करीम यानी दयालु बे ऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा सात सौ इकतीस प्रश् पे कहा है कि नीच जात खिन आवे तिल जावे और ताकि संगत नानक रिदा क्यों कर मुंडा पावे कहते नीच जात पर मेरा खिल आवे तिन तिल जावे यानी एक सेकंड में मत सतलोक में दूसरी सेकंड के भी कुछ अंत में यहाँ पर बैठे दिखे मैं इसका कैसे भेद पाऊ इसे सर्वशक्तिमान का अंधुला नीत जात मेरा आवे पर तिल जावे। की संगत नानक रह कैसे मुंडा पावे एंड इसके एंड को कैसे ढुपाऊ मैं इसके अंत को ये तो अमित ओजा है अमित इसकी पावर है अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको बारह सौ सतावन पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का उससे हमने नोट कर रखा सब और राग मलार मेला पहला नानक साहिब जी की वाणी है वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बहन और लंबा नक काले तेरे नैन और हु साहेब देखिया बहन अरे तुमने तुम ने भगवान देखा कदे बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है और लंबा नक और काले तेरे नैन बता फिर भगवान निराकार क्यों करवासी ने पूछ ले भगवान निराकार और हमारे बताओ मनुष्य से साकार है उड़ा चढ़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया और जलथल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहेब बीर या गलती से बीर लिखा है या इस पांच पंक्तियों में एक शब्द है इसमें दो बार बीर लिखा एंड में ये एक महापुरुष की वाणी है कोई किसी डोम बाट की नहीं है और एक पंक्ति में दो बार अक्सर नहीं आ सकता ये कबीर है जो मिस प्रिंट हो गया है कहते थान थनंतर साहेब कबीर है इसका अर्थ यहां पर थान थर जहां देखूं वहां यु साहब कबीर जिन तन साज दिए नाल खम्ब अति तृष्णा उड़ने के ढंज नदर करें तांध तिम वेखा वीर कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें फिर क्या लिखा है फिर बारह सो सत्तावन पृष्ठ पर ही लिखा है निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो नानक साहिब जी तो निरंकार का है कहते है वो आकार में है इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है निरअंकार निर्भिमानी परमात्मा अरे इन्होंने आइडिया लगा लिया निराकार का निरंकार निराकार तो निराकार ही होता है अंग की मात्रा क्यों लगी निरअंकार यानी वो निर्भिमानी परमात्मा घर घर फिरता है कोई गाली देते बुरा बोलो है और सबको अप अपना सच्चा ज्ञान देता फिरता है वो निरंकार आकार है साकार है और दिखाते हैं आपको अब ये गुरु ग्रंथ साहिब के पांच पृष्ठ पे है इसपे लिखा है वड्डा साहिब है आप अलख अपार वड्डा साहिब सबसे बड़ा भगवान है आप अलख अपार तेरे बंके लोहन दंत रिसाल तेरे बंके लोयन लोहन माने आख लोचन और सोहने नक जिन लम्बड़े वाला सोहने नक जिन लम्बड़े वाला यानी सुंदर नाक है और चमकदार जिसके बाल हैं और कंचन काया सोने की ढाला यानी कंचन शरीर है उस परमात्मा का सोने जैसा सोने की तरह और बंके लोन दंत रिसाला तेरी चाल सुहावनी तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी उसकी चाल तक बता रहा कि कबीर परमात्मा जो पृथ्वी पर घूमया करते थे और कहते हैं सारंग जे में पग धरे ठम ठम आप पे आप संधू रहे कहते है, जैसे सारंग चाले नोके पग धरे ठिम ठिम ठुमक थिम। ठुमक का चाल है अर्थ सिरंग राती फिर माती उदक गंगा वाणी बिनवंती नानक दास हरि का तेरी चाल सुहानी मद मदरोड़ी वाणी मुदराड़ी वाणी आपकी चाल भी सुहानी और आपकी वाणी भी मीठी मीठी दांत भी उसकी चाल भी चाल लाठमक है ठमक के है। ये सारा कुछ बता रखे तो पुनः तुम्हारो अब पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा स शरीर है नर आकार शरीर है उसका नाम कबीर है और दानक रूप रहा करता है ये परमात्मा जैसा कि आप जी को वेदों में बहुत बार दिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर छियासी के मंत्र छब्बीस सताइस में जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद के द्वारा इनका अनुवाद है वेदों का उन्हीं के अनुवाद में दिखा दास ने आर्य भी खुद निराकार के और उसमें साकार लिखा इसके बारे में परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जगह सब अंदर इनके दिक्कत के तैन से समय फिर मोतिया बिंदरे बता इतनी भी आंख हमारी कमजोर होगी आंख भी सामने लिखा है भगवान मनु सद्रे से राजा के समान देखने योग्य वेदों तो वो वहां से वो सतलोक में रहता है भगवान धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ एक देशीय है और वहां से चलकर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है उन अच्छी आत्माओं में से किन किन को मिले जैसा भी आपको बता दिया था उनमें से एक पुण्यात्मा आदन्य गरीबदास साहिब जी भी है गांव चुरानी जिला दस हरियाणा वाले तो उनको परमात्मा फाल्गुन सुदी दवादसी को यानी चांदनी दवास को और संवत सत्रह चौरासी को संवत सत्रह चौहत्तर में आदि गरीबदास जी का जन्म हुआ था दस वर्ष की आयु थी उनकी तब तो परमात्मा सतलोक से आए थे वो जिंदा महात्मा रूपनाक के और वहाँ उनको मिले थे सतलोक लेकर गए थे उनको मृत जान लिया था नीचे कि तुम मर गया लड़का उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी तो परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा के अपना गवाह बना के वापस छोड़ दिया तब वो अग्नि लगाने की तैयारी हो रही थी तभी एकदम हलचल हुई शरीर में सब खुशी मनाने लगे गरीबदास जी के के ऊपर का जो बांध रखे थे अप्पा टूट गए गरीबदास जी उठ कर चल पड़े और ये वाणी बोलन लाग गए इस वाणी को गाँव वाले नहीं समझ सके उन्हें सोचा ये पता नहीं कि बेंडुआ फूट गई इसके बिरडा अपा बोल रहे एक दादू पंथी संत था वो आ गया पैंसठ साल की उम्र का वैश्य के घर जन्म था और उसने घर त्याग रखा था दादू पंथ से वो दीक्षित हो चुका था और दादू साहेब जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और सात आठ वर्ष की आयु मिले थे सतलोक लेकर गए तीन दिन और तीन रात दादू जी बेहोश पड़े रहे मरे नहीं न सास चलता रहा न तो फूकते उठा कर शरीर गांव ओडे घर के लोग तीसरे दिन उनको भी ऐसे छोड़ा जैसे नानक जी को ऐसे धर्मदास जी को लेकर गए थे तीन दिन तक वो अचेत पड़े रहे थे तो पंथी वो गोपाल दास नाम था उनका संत का वो गांव छुड़ानी में आ गए एक दिन वहां उसका कोई शिष्य था उस शिष्य ने जकर कर दिया कि महाराज जी हमारे एक बाणजा है गरीबदास जी गांव छुड़ानी के बाणजे थे और वहीं उनका जन्म हुआ था क्योंकि इनके पिताजी गर्जमा रहा करते थे छुड़ानी गांव में गरीबदास जी के पिताजी का मूल गांव क्रोथा था जाइसदास का आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए और वो क्रोथा कांड कर दिया था चलो उस विषय को तो हम भूल चुके हैं अब वहाँ था उनका गांव, वो वहाँ रहा करते थे और उधर से क्या हुआ था जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे खेतों में गऊ चरा रहे थे ये गरीबदास के नाना जी के बहुत बड़ी जमीन थी जाट थे जाति से किसान थे बहुत घनी जमीन थी चौदह सौ एकड़ एक और वहाँ गौं डेढ़ सौ के करीब रखा करते कुछ गरीबदास जी भी पाली स्वयं भीत गए हुए थे और नौकर भी पाली और भी दूसरे गांव वाले भी वहीं चरा करते इनके खेतों में गौों को कबीर परमात्मा सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे तब इन पालियों ने आग्रह किया था भगवान रोटी खाओ भोजन पाओ परमात्मा ने कहा था खाना मैं अपने घर खा खाया हूं भाई अपने लोग से फिर इन्होंने कहा जी दूध तो पीना पड़ेगा नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते तो कबीर साहब ने कहा था दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का पिलाओ कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं मजाक करते हो कुंवारी गाय दूध देती है कभी गरीबदास जी थे छोटे से बालक दस वर्ष के वो एक बछिया को लाए पकड़ कर कहने लगे देखो महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं है सतन भी छोटे छोटे दूध कैसे देगी परमात्मा ने कहा कोई ऐसा खाली पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लाएंगे वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था छोटा सा पाँच सात किलो जल आ जा, जा उसमें तो दूध आ जा वो लिया गरीबदास जी ठाक है दूध के रखा हुआ था परमात्मा ने कहा ले इसके सतन का नीचे कर कबीर परमात्मा ने थपकी मारी कुंवारी गाय के लंबे सतन हो गए दूध की धार चल पड़ी पात्र भर गया अपने आप बंद हो गया अब वो दूध परमात्मा को दे दिया गरीबदास जी निकले महाराज जी आपकी लीला हैत तो। अपनात्मा वो उन्हीं को मिलते है तो दृढ़ भक्त होते हैं वो गए गरीबदास जी के खातिर थे के लिए थे बाकी तो नकली थे वो बैठे परमात्मा ने दूध पिया मुंह लगा के शेष उनको छोड़ दिया ले भाई तुम पी लो बच्चो अमृत है ये जो और पाली थे पाँच सात दस बड़ी उम्र के कुछ बीस वर्ष का कोई तीस का कोई चालीस और पचास साठ का वो कहने हम ना पीवा जब जादू तंत्र का दूध और पाप का दूध कुमारी गांव का हम कहते भी ना पीवे और तेरी जात का भी रहना तो किस जाति का है वो तो उठकर चले गए गरीबदास जी कह लगे ला। दास को दो महाराज आपका दूध कद कद आपका जूठा अमृत तो पुण्यात्मा ये लक्षण हो आकर साधु भक्तों के अंदर जो पूर्व संस्कार के हो संस्कार होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है और ये जितने नकली संता के चले गए फंसे पड़े हैं ये सारे ही से पुण्यात्मा थे श्रद्धालु होकर बैठ गए उसका दुरुपयोग करके उन्होंने बैठा बैठा दिया उनका जीवन ना कोई भक्ति तो इस प्रकार उन्होंने ना उनका नाश कराया अरे श्रद्धा से कबीर साहब ने उस प्यारी प्यारत्मा श्रद्धालु को आबाद किया सच्ची भक्ति बता के तो गरीबदास जी ने पिया दूध पी के फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया तो उनकी इतनी प्रबल इच्छा होगी कि महाराज एक बार वो लोग दिखा दो मैंने वो दिखाना ही था उनको तो गवाह बनाना था कभी उनके आप के लिए इज गॉड ये सिद्ध करने के लिए कोई गवाह चाहिए खुद तो यहाँ भटकते ही रहे हमने कभी नहीं उनको पहचाना तो गवाही बताया करते हैं कि ये है भगवान तो वो सतलोक लेकर गए सारा कुछ दिखा कर वापस छोड़ दिया उसके बाद वो ये वाणी बोलते रहे गांव वाले ने सोचा ये पागल हो गया उसको बावड़िया कहने लायक गए पागल अब उस व्यक्ति ने दादू पंथी गोपाल दास के शिष्य छुड़ाने के व्यक्ति ने कहा महाराज एक लड़की का लड़का पागल हो गया और उसके एकलाय पुत्र है किसी संत ने जादू जंतर का कर दिया दूध पिला दिया जादू जंतर का का निकाल के उसके बाद वो मेंटल हो गया ऐसे कहते हैं कि साधु की विद्या ने साधु का ट्या करें। आप कुछ दया बख्श दो वो लड़का ठीक हो जा उस गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के मैं कर दूंगा जाड़े जुड़े थोड़े बहुत ये जाने करें संत पंथ से वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी शिवलाल नाम था उनका शिवलाल उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे एक संता रहा है और इस के लड़के नो ठीक कर देगा है? तो सारे पांच सात और मौजूद मौजूद से व्यक्ति और बच्चे को लेकर उसके पास पहुंच के गोपाल दास ने पूछा के बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया बर्बाद कर दिया जी कहने लगे बर्बाद ने मुझे आबाद कर दिया क्या बताए हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया वो कबीर हुआ इस बाणी को सुनके और गोपाल दास का तो सर घूम गया अरे इसने भावला बतावे इसने तरले भाषण पर एक पर मार दी ठोकरे चक्कर खा गया महात्मा पैंसठ साल का बुढ़ा और फिर बताया अनंतोट का एक हारे गरीबदास जी ने बताया हम हम सभी मैं यानी इंक्लूडिंग गरीबदास हम सुल्तानी अब्राहम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह मुसलमान हम सुल्तानी नानक ये सिख धर्म के तक आदनी नानक साहब हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया वेद नहीं पाया और काशी मा कबीर हुआ और फिर कहा गया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार वो सतगुरु पुरुष कबीर है वही कुलकेशर जनहार साठ सा, पैंसठ साल का बुढ़ा अब जिसने भगवान की जरूरत है वो समाज ने ना देखा ना इन कपड़े ने देखा मैं के बने बैठा के बने बैठा है लाल कपड़े पहन लिए डी बढ़ा ली दो से चार से हजार आदमी को बका के बैठ गया संत बन के आप भी अपने कर गिल्ला हुआ बनेंगे वहाँ ला तुम लाता रहा करोगे दोनों गुरु और चेले या कट्ठे कुत्ते बनोगे कितना टूक भी ना खाने देंगे चेले इतने फिर वहां पर तो ये खूब जानते हैं जो महापुरुष होते हैं उनको समझना पड़ेगा ये बात हम परमात्मा के लिए चले हैं और परमात्मा जो भी दी तो तो तुम कर रहे हो यो आज तक किसी ने मिला हो तो बताए दो किसी में प्रमाण दिखा दो जो साधना तुम करे भगवान पाया किसी ने या प्रमाण आपको जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने ये साधना की तो फिर क्यों ना छोड़ दे नकली को आपने भगवान ये वकुवा थोड़ी चाहिए तो पैंसठ साल का बुढ़ा वृद्ध व्यक्ति स उसके तक कले जायल गया अरे तो भगवान तो मिलका का आग्रह तू राम तो मिलकारा है वो तो राम तो मिलकार रहे थे गरीबदास जी आदन्य गरीबदास साहेब जी आदन्य नानक साहेब जी आदन्य दादू साहब जी आदन्य धर्मदास साहेब जी आदन्यीसादास साहेब जी आदन्य मूकदास साहब जी ये तो राम तो मिलकार रहे थे राम से मिलका कर जो आंखों देखा लिखा उनकी अमृतवाणी में वही वेदों और पुराणों और कुरानों में और बाइबल में मिला तो परमात्मा कैसा है वो सारा प्रमाणित हो गया हमने भगवान ने चाहिए था और वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता इतना सा ज्ञान है ये गणी बात भी कोई ना ये गणे प्रमाण तो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो अज्ञान घना भर पड़ा है उसको हटाने के लिए ये शास्त्र प्रमाण दिखाने पड़ते हैं और इसलिए नहीं तो दास वैसे भी सुना सकता है सारी पहले हमें पता है परमात्मा की दया से लेकिन ये सदग्रंथ इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि आपको ज्ञान हो और यदि ये, ये, तो ये दास ये सदग्रंथ ना दिखावे तो जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे छह सौ वर्ष पहले वही ज्ञान जो उन्होंने बताया ये दास केवल उनके दिए हुए ज्ञान को आपको एज ए लाउड स्पीकर सुना रहा है इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं मिला है ना मेरा कोई भी मान इस बात में मन ने कोई खोज कर लियो ये तो भगवान ने दे रखा है और दास आपको सुना रहा है बस इतना सा योगदान है इसमें मान बढ़ाई वाली बात हो ही नहीं सकती मान बुढ़ाई तो उसकी हुआ वो मान रहे जिसने अपनी कोई डिस्कवरी कर दी नहीं भगवान है भगवान परमात्मा परमात्मा ही है जीव जीव है तो हम जीव हैं तो उस परमात्मा ने इस दास पे कृपा करी और ये ज्ञान दिया तो जो प्रसंग है उसी पर आते हैं सबको परमात्मा वहां गए फिर वापस छोड़ा और उसने करबद्ध होकर ये कहा कि भगवान ये वाणी लिखवा दो और ये वाणी आने वाले समय में जीवों के उद्धार का कारण बनेंगे तो गरीबदास जी का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो गांव वाले ने सोची ले भाई छोरे का बाबा जी कभी हो गए भी पागल हो गया तेरह वर्ष के थे उस टाइम कि इसका हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तीसरे दिन उससे बात करी बोले नहीं बालक की तरह भाग ले इधर फुर फुर करके कर कभी इधर भाग जा तीसरे दिन खड़े हो गए और कहने लगे गोपाल दास अगर सारी लख है तो लिखवाऊ ना तो कति नहीं, नहीं बोला को तो कोई उद्देश्य रहा नहीं जैसे कहोगे लिखता रहूंगा तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था उस बेरी के बाग में बैठ के उसमें एक जंडी का पेड़ था उधर जंडी झूंडी हुआ करती पहले ऐसा बरानी साग था वहां गरीबदास जी बोला करते तेरा वर्ष के बालक और दादुपंथी गोपाल दास लिखा करता वो ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध है उनके मुख कमल से बोला हो तो पुणात्मा अप्रमात्मा पढ़ा है हमने और परमात्मा कैसे मिलता है कैसा है कहाँ रहता है ये तो हमारे सदग्रंथ वेद आदि सब ने प्रमाण कर दिया और वो कैसे मिलता है वो सचिदानंद गनबर्म की वाणी में सुख संवेद में, में प्रमाण है वो तो कहने का भाव ये है कि जैसे 600 साल पहले परमात्मा आए थी और यही ज्ञान दिया करते थे और ये दास आजुनिक का दिया हुआ वो अनमोल खजाना उसके बच्चों तक पहुंचा रहा यही कमी थी उस समय था और परमात्मा उनको ये सदग्रंथ नहीं दिखा पाए क्योंकि सदग्रंथों तक ये ब्राह्मण गेंडली मारे बैठे थे उसके ऊपर और गीताओं पर ये किसी और नहीं पढ़ सकता इनको ब्राह्मण पढ़ एक खरखोदे के पास एक गाँव है वहां का एक जाट परिवार का लड़का था उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी सदग्रंथों को मैं संस्कृत भाषा पढूं और संस्कृत भाषा पढ़ के फिर सदग्रंथों को पढ़ूंगा और अपना निष्काम भाव से लोगों को शिक्षा बताया करूंगा ज्ञान इस उद्देश्य से उस और उस समय काशी विद्यापीठ में केवल ब्राह्मणों को ही प्रवेश पाता था ब्राह्मणों के बच्चे ही और नहीं पा सकते थे उनका अपना नियम था और कोई अधिकारी नहीं था संस्कृत पढ़ने का तो उसने गांव से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया पहला नंबरदार पढ़ से उसने कहा ताऊ मेरा मैं भी पढ़ लूंगा कितना स्कूल में ले दस्तक करते उन ला दिया अंगूठा और वो बनवा के सर्टिफिकेट ब्राह्मण जाति का प्रवेश पा गया उसमें काशी विद्यापीठ के अंदर और वहां अव्वल आवे सबसे टॉप करे सब, सब ब्राह्मणों के बच्चों से आगे सबसे टॉप में आवे प्रत्येक क्लास में शिक्षा पूरी होली तब वहां से वो अपना विदा होने लगे तो वहां का जो तो प्रिंसिपल ब्राह्मण था वो बड़ा प्रभावित था उससे और वो लोग केवल इसीलिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण वर्ग वाले के यहां से पढ़ के जाएंगे और फिर दुनिया अच्छा बका पाओगे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे काशी विद्यापीठ में पटका रहा ब्राह्मण का लड़का दुनिया फिर तक तो कथा सुनर दान चढ़ावे उनका इतना सा उद्देश्य था बस तो उस प्रिंसिपल ने प्राचार्य ने सोची कि तेरे लड़की बहन की हो रही है और लड़का हूं हार है खूब कमावेगा बढ़िया संस्कृत पढ़ी ली इसने क्यों ना भी विवाह कर दू तो जब वो लड़का गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो आपका बच्चा अपने फील्ड में सक्सेस हो तो उसने कहा भाई कुछ दक्षिणा भी दे मेरे ते अब जी मुझ भिखारी के पास क्या दक्षिणा है जो मांगो वही दे दूंगा ठीक है भाई वचन भर अगर जिद ऐसे आपको भर लिया वचन आपकी आज्ञा का पालन होगा कि आपसे मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ अब वहां फंस गया वो बहा भी भी कर लिया तो वहा रोड़ा पड़ेगा गांव में हमारा ही ब्राह्मण है वहाँ झगड़ा पड़ेगा और घर वाले गुस्सा होंगे तो पंगा पा लाया तो उसने वह साची बतानी पड़ेगी लग गया गुरुदेव दो सजा दो वो देना लेकिन साची बताऊंगा आज मैं धर्म संकट में फंस गया मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं तो जाट हूँ और ऐसे ऐसे उस गांव का ये खरकोदा के पास है गांव और मैं वहाँ का जाट हूँ किसान हूँ और मैं आपकी लड़की से ब्याह नहीं कर सकता मैंने घर के कूटेंगे और वहाँ से निकाल देंगे मैं फिर कित कहाँ रहूँगा तो उससे वो गुस्सा हो गया कि तू कैसे यहाँ प्रवेश पाया उसने कहा जी मैं ऐसे मेरी इच्छा थी हार्दिक शिक्षा ग्रहण करूँ इसलिए ये नकली झूठा सर्टिफिकेट बनवा लाया था मैं गाँव वाले थे तो उसने श्राप दे दिया उसको जैसे तैसे और कहा कि वचनबद्ध हो गया है कहा जी आज के बाद इस संस्कृत को ना पढ़ेगा ना आगे तू पढ़ाएगा किसी को भी संस्कृत और सदग्रंथों को भी तू नहीं पढ़ेगा इसमें इस संस्कृत को बोला जी ठीक है जैसे आप आगे से आ गया वो थोड़ा है। तो कहने का भाव ये है उसने फिर दादू पंथ में जाके दादू पंथ में जाकर संत मते में दीक्षा ले ली उस लड़के ने जो किसान का लड़का था और वहां से फिर वो दादू पंथी हो गया फिर उसने अपना जैसा वेदों को पढ़ा तो जरूर लेकिन संस्कृत भाषा युद्ध नहीं करी लोक वेद में संत भाषा में उसने एक ग्रंथ बनाया निश्चल दास नाम था उसका निश्चल दास तो कहने का भाव यह कि पहले ये वेद और गीता को तो ये ब्राह्मण लोग अपना कब्जा कर रहे थे और परमात्मा कहा करते हैं कि ये तुम्हें झूठ बोल रहा है ये तो आपके गुरु जी मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य ये गलत ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें यही बात बिगड़ी रही कि वो गुरु लोग कहते रहे कबीर अशिक्षित है यु क्या जाने वेदों और ग्रंथों और पुराणों के बारे में ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है इनके माता पिता बताता है ये झूठा है कपटी है और इस बात का असर सारे भगत समाज का हो गया सचमुच सही है कबीर तो एक धाणक है जुलाह है सुदर जाति में है ये तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण इनको निकट आने देते थे तो उस समय यही बात बिगड़ गई इस सच्चाई को इन नकली संतों ने मंडलेश्वरों आचार्यों और महर्षियों और शंकराचार्यों ने उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे तकाने नहीं दिया परमात्मा का घोर विरोध करा दिया उनके साथ ऐसे जुल्म करवा दिया पूछो मत अपना यही रिहर्सल इस दास के साथ हुई थी क्रोथा कांड की दास यही इनकी खाल उतारने लग गया ज्ञान की महर्षि दानंद नकली का समाचार पत्रों के माध्यम से टीवी के माध्यम से सीडी बनाकर भक्तों को भेजा कि इसके पास खक नहीं देखो यु महर्षि से मह महर्षि व्या करे इस बात का पता चला नारी समाज के आचार्यों ने इन्हें सोचा तुम्हारे जूते पड़ेंगे तुम्हारे अनुयायी पीटेंगे तुमने जदानंद के अज्ञान का पता ला गया तुम नाचते क्यों नहीं बताया हमारे को तो उन्होंने राजा को और प्रजा को भ्रमित करके आश्रम पर अटैक करवा दिया मारने के लिए आई रामपाल को मार दो आश्रम खत्म कर दो और बताया नहीं सच्चाई किसी को तो जा को राइया मार सके ना कोई तो उन्हें तो जुलम किया सो किया अब हम नो के नू के न्यू हो गए क्यों हो गए क्योंकि श्रद्धालु शिक्षित है और सदग्रंथ हमारे पास थे सब ने देखा कि यू के कारण था कुछ बुद्धिमान भी लोग होया करे सारे थोड़े एकदम सब आंख बीच कर चल पड़ते आज बुद्धिमान समाज है। तो उस समय परमात्मा का घोर विरोध कराया और सच्चाई को मिटा दिया कति अब दास पर कृपा करी परमात्मा कबीर जी ने वह साची की आखिरी सांस तक बोल होगा हाथ नहुं बोलूंगा चाहे तड़का शरीर चला जा कोई परवाह नहीं बने तो हमारे श्रद्धालु क्यों समझ गए इसको क्योंकि आज परमात्मा ने दया बख्शी पहले तो अपने बच्चों को बेटा बेटियों को शिक्षित किया फिर इस दास को तत्व ज्ञान युक्त किया और फिर ये टीवी ये सारे इंटरनेट वगैरा मैन आदमी की सोच है उस परमात्मा कबीर जी ने बनवाई है या आपके लिए ना इस मानव शरीर का क्या फायदा यार राष्ट्रपति बन जा कल न मृत्यु हो जा गधा बना पावे यहाँ का कोई प्रभुता या सुखी झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद ये सकल जबी ना काल का कुछ मुख में कुछ को तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा का ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को, को आप जिस श्रोधार्य मानते थे उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे इन जूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया लेकिन यह कब तक रुकती है सच्चाई में बड़ा दम होता है आज यह एकदम सपीड तो ऊपर आ और सब फेल हो गए किसी के पास कख नहीं अपना दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी जन्ना ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को और हमारे साथ इन करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का मुझे जरूरत नहीं थी इनकी मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था ये तो बहुत बाद में सन दो के अंदर ये सदग्रंथों को देखा नहीं पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन उन्नीस से दो हजार तक उसी के आधार से प्रचार करता था फिर ये प्रचार आना था ओपन यानी बड़े सतर पर मालिक को पता था उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई वेद मेरा भेद है मैं ना ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है वो उन्होंने खुद आके बताई तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं हमने वेद देखे भी ना थे सुने सुने थे वेद है नो नहीं, नहीं पता था वो है किसे गीता जी को जरूरत हमारे पास होती थी पढ़ते भी थे वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लग गया तो उसमें सफष्ट्रा बुलाओ यो गीता ज्ञान दाता तो क्या कोई और है परमात्मा और ऊपर सारा कुछ शेरा बांध के बैठ गए थे फिर वेदों को भी लाया मैं वेदों में पाऊंगा अनुवाद ही निका किया हुआ है वेदों ने भी चांदना कर दिया तो अब दास वो वेद और गीता पुराण कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं प्रश्न नंबर और अध्याय नंबर बताकर तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक व्यक्ति रात्रि में जाव था हाथ में लालटन ले रखी जला करके लैंप रास्ते में जा रहा था आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा ध्यान से चलना बेटा मैं अंधा हूं मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए कह लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो आ कहा बेटा मैं अंधा हूं फिर ये लालटन यानी लैंप किस लिए लिए हो के तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो बुढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम मेरी जान बची रहे मैं अपना सफर कर लो तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो देख इसमें यो लिखा है तो ये लालटन का काम कर रहे थे ताजम ऊपर उठ के सब ने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने, अपने ग्रंथ दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है झूठे तो पहले हम दे रहे थे ये एक एक पॉइंट एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो उसी दिन संताई त्याग दूंगा कोई बात है यार अपने सिर पर कौन भार द्रव्य मतलब ये चैन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का तो कहने का भाव है पुणात्मा उस परमात्मा की उस गरीब दास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण तो बाद में देखा दास तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया और वो सदग्रंथ आज इस दास के पास उपलब्ध है वो ग्रंथ आदन गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर चार के श्लोक नंबर बत्तीस में कहा कि अर्जुन जो ज्ञान तूने अध्याय चार के श्लोक पच्चीस से लेकर इकतीस तक सुना उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है उसी को सची मान रहा है कोई हठय योग करता है उसी को सही मान रहा है कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके सभा करके उसी को फाइनल मान रहा है और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मान रहे हैं चौथे दया के बत्तीसवें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान उस सचिदानंद ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है वो तत्व ज्ञान है और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए वो तत्व तो ज्ञान है यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है इसमें चौथे जाय के बत्तीसवें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है ब्रमण मुखे और इन्होंने उसका अर्थ बना है सचिदानंद गन ब्रह्म के मुख कमल से उचरित वाणी उसने स्वयं आकर बोली जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है उनको उपदेश देता है वो कबीर देव है कबीर साहब है वो परम अक्षर ब्रह्म है तो इन्होंने वो तो समझ में थी न, कर डाले हैं जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए अनुत्तम माने एक छोटे से बालक ने पूछ ले चौथी पांचवी कक्षा के न उत्तम माने श्रेष्ठ और उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो झूठे कहेंगे और वर्जमाने जाना होता है या गीता अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर अठारह में गीता ज्ञान दाता अपनी गति को अनुतम गति घटिया बता रहा है अरे नोको जिस तो उत्तम कोई और ना हो अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञान दाता ज्ञानदाता में दह के में श्लोक में क्यों कहता है उसकी शरण मजा उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा पंद्रह में अध्याय के सोलह और सत्रह श्लोक में तीन पुरुष हैं सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है और फिर सत्रहवें श्लोक में पंद्रह में अध्याय के कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है और उसकी जानकारी तत्वदर्शी तो तो संत बताऊंगा उनसे खोजो तो ये अब सातवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में, में अपनी गति को अनुतम तो इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्युदा रहेगी और मेरी भी रहेगी मेरी पूजा करेगा तो और ये कोई जिस तो उत्तम और ना हो मारेंगे सट्टी इतने दिन मूर्ख बना दिया अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत अब अठारह के श्लोक में, में एक वरद शब्द है वरद माने जाना होता है शब्द को उसमें जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया जबकि गीता ज्ञान दाता कहता अठारहवें दह के छसठवें श्लोक में, में सर्वधर्मान प्रीत माम मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने ने किया है उस तीन मंत्र के जाप में सतर्म के तेईस श्लोक में तीन मंत्र का जाप है ओम तत, सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध है समर्थ है सचिदानंद गणब्रह्म के पाणी का तीन मंत्र का जाप है इसमें ओम ये सर् पुरुष का तत् और सत ये सांकेत सांकेतिक है तत् अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है तो अठारह में, में, में कहा कि मेरे सतर की जो तो साधना कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक में चले जाते उस होटल में अपनी पुन कमाई खत्म करके फिर यहां धक्के खाते गधे बनते कुत्ते बनते क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं और कबीर परमात्मा की शरणमाने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं पुण्य शेष रह जाते हैं। तो तब हम मोक्ष पाएंगे में श्लोक में, में इसने कहा कि मेरे सतर की अब हम इसके ब्रह्म के नाम के ये जाप करते हैं इस नाम यहाँ नहीं लेंगे इसका क्रेडिट कुछ भी इसको पकड़ा देंगे पकड़ तेरा और छोड़म नमाड़ तेरा अपने डमडमे ने तो कहता यू खुद भी कहे कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे और फिर एकम शरण व्रज जिसके बराबर दूसरा नहीं है वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय उस परमेश्वर की शरण में जा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे पाप परमात्मा नाश कर देगा पुनः हम इसको दे देंगे इसके सतर के और शेष दो मंत्रों के पुन कमाई भक्ति वो आगे हमारा काम आओगे जब तो यहाँ से चलेंगे तो अब थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको चौथे झाए के बत्तीसवें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे शब्द है इन्होंने ऐसे दिए तो सही तो ना ज्ञान का वहां के सारे ये देखो श्रीमद भगवत गीता ये जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये चौथे दाय का ये बत्तीसवा श्लोक है अध्याय नंबर चार का और ये बत्तीसवा श्लोक है ये कहा है एवं बहुविदा यज्ञा वितता मुखे ये ब्रह्म मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा इन्होंने अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्म मुखे कर दिया मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी ये करना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना सत्र में अध्याय का तेईस श्लोक है अब अध्याय नंबर सत्रह पर आगे हम श्रीमद भगवत गीता ये तेईस मोक है इसमें लिखा है कि ओम तत् सत निर्देश है ब्रह्म है त्रिवेद है समर्थ है अब इसमें ब्रह्म शब्द है वही और यहाँ नो निष्कार सही कर दिया विचलित ना हुए ओम ओम तत् तत् सत सत सांकेति के ये सांकेतिक दोनों शब्द ये सर पुरुष का ब्रह्म का जाप है ये अक्सर पुरुष का है और ये परम अक्सर पुरुष का है ये ओम तत, सत, ये साधना है ऐसे ये तीन प्रकार का ब्रह्म माने सचिदानंद ग्रम का नाम कहा है ब्रमण माने सचिदानंद गण्रम हो गया तो हम यहाँ जाओ यहाँ न शर्मागी सची लिखते न देख अध्याय नंबर चार का और श्लोक नंबर बत्तीस में ये फिर ब्रह्म शब्द है मुखे यहाँ लिखा है इस प्रकार और भी जैसे और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में इन वेद की वाणी कर दी यहाँ लिखना था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले उस वाणी में विस्तार से कहे गये उन सब को तू कर्म जान विधि ये ये है शारीरिक क्रियों के द्वारा होते हैं इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सचिदानंद घनबरम की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है वो ये सारे साधना है नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे जगुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर क्योंकि वेदों में परमात्मा भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा कंप्लीट कोर्स उससे पूछो तो ये दास है भाई वो दस में आ जाता बच्चों ये दास है वो तत्वदर्शी तो 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 इसका अर्थ है कि वो जो सचिदानंद गणवरम ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो तत्व ज्ञान है और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं कर्म योगी से बात बनेगी काम भी करो अपना घर का नाम उठत नाम बठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे इसका से ये आप देखिएगा गीता अध्याय नंबर चार का श्लोक नंबर बत्तीस का हम ये पढ़ रहे हैं इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सचिदानंद गणबरम पडोस को की वाणी में परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं उन सबको तू कर्म जान शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंदर से सर्वथा मुक्त हो जाएगा इसे सिद्ध ये होगा कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है

सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली जानने वाले तत्वदर्शी न तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तो उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे परमात्मा कहा करते गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान जो थो था भूस छड़े मूड किसान गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी ये आज तक सारे अज्ञानी थे ऋषि रेशी, मैं ऋषि सुनो मे तक इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं इसमें क्या लिखा है अटपट मारन लाग रहे थे तो कबीर परमात्मा ने छह वर्ष पहले बताया था तो वो सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी का कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि बारह पंथ काल चलावेगा यह आत्मा तो सारी परमात्माए की है जैसे गरीबदास जी को लेकर गए उनसे ज्ञान दिया गए उन्होंने ज्ञान लिख दिया इनको कह दिया था बेटा भी तत्व ये सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना गरीब दास जी को परमात्मा ने क्योंकि ये तो साथ साथ रहते हैं पल पल में मिलते हैं दो तो इनके प्यारी आत्मा है उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को बना के उसको देकर जा तो आदि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द सार नाम और सतनाम कंप्लीट दिया था सार सार शब्द और नाम तो एक ही है और सतनाम ये दो अखर का जिसमें और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं ब्राहणा गांव में आश्रम है हरियाणा के अंदर जिला ददर में उनको दिया उसके बाद मेरी दास की परंपरा में उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे और मेरे गुरुदेव के लाखों की संख्या में शिष्य थे लाल कपड़े भी पहन रहे थे वो घर छोड़ के त्यागी भी बन रहे थे पर वो अधिकारी नहीं थे उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है तू बरती परंपरा शुरू से हम एक से अधिक को नहीं बता सकते तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना तो परमात्मा दास को मिले कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे इसका डिस्क्लोज कर दे तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास रहा है गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको यु तत्व ज्ञान दिया वाणी दी कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है तो कबीर सागर में लिखा है कि काल बारह नकली पंथ चला यह जिसने कहा था जैसे चूडामणि जी थे चूडामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी लेकिन उन जो पांच नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को उसने आगे देता रहा लेकिन का कर दिया किसी ने उन्हीं की परंपरा में वो पांच नाम छुड़वा दिए एक और श्लोक एक और ही आरती सी करवा दिया नाम अमर नाम सब सुधु नाम इनको पांच नाम कह तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया जैसे गरीबदास जी का पंथ है गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे परमात्मा से परिचित थे सारा लिख रखा सही प्रमाण लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया कख भी पता नहीं किसी ने और कबीर साहब कहते हैं बारह पंथ हम ही को जाव अस्थिर गिर का मरब नहीं पावे इनको ज्ञान न नहीं ज्ञान तो इस दास ने बता था कबीर साहब ने कहा कि तेती अरब ज्ञान हम वाख्या मूल ज्ञान हमने गुप्ति रखा तो वो जो कहा ना कि बार में पंथ में गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी तो वो वाणी आपको बतावेगा वो सचिदानंद गणपरम की वाणी गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सत्संग का सत्संग तीस तीस घंटे का फीड हो जाता ऐसे फैक्स हो जाता है डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया और वही परमात्मा सचिदानंद ग्रम की वाणी गरीबदास ने बोली कैसे अब क्या बताया इनको ये नकली पंथ संत ये बने फरे हैं दर्शनी ये गिरी पुरी नौगा इनके विषय में कैसे बताया एक अंग है अध्याय है वैदे का अंग बैद माने यूजलेस व्यर्थ फजूल की नुकारा क्यों पैदा बोल रहा है तू यानी व्यर्थ की बातें नहीं तो क्या बताते हैं सट दर्शन सट बेख कहाता वेद पुराण पढ़त हैं गीता कहती है सट दर्शनी छह प्रकार के ये संत हैं गिरी पुरी नागा सरस्वती ये इस तरह के कहती हैं सट दर्शन सट कहावे और बहुविध धूं धूं धार मचाव संस्कृत बोलेंगे तो डटे नहीं डटे माड़ा पैर लें कंठी पैर लें तलक लगा लें दाढ़ी बुढ़ा लें कोटम घोट हो जाए लाल कपड़े कहते ऊ तो दिखाई ये ठारे हैं बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कित सला और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता फिर क्या बताते हैं चार संप्रदा बावन द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे माला घाल हुए हैं मुक्ता सट दल बाई बकदा आय है गरीबदास साहेब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता तीर्थों में जाते हैं हम जोड़ा मना जोड़ो मनाने के लिए गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण दो तुम जाप करते हो है कहीं गीता के अंदर या वेदों में है वेद पुराण पढित है गीता तीर्थ व्रत करें तरबीता चार संप्रदा बावन दुवारे जिनों नहीं निज नाम विचारे इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे और माड़ा गाल हुए हैं मुक्ता सट उवा बाई बकदा पैर का मौला कंठी टक्की बिंदी ला कर डाडी डूडी बढ़ा के कह गोटम गोट हो गए कहते ऊपर तो तेनो दिखो भाई ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे परमात्मा कहते हैं कंठी माला ये पैरे से क्या हो ऊपर डूडा साध कर अंतर रख्या खो ऊपर तो महात्मा दिखा अंदर कख भी नहीं तेरे पास अपना जीवन बिगाड़े बैठे बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं घर छोड़ के धके खाते बैरागता घर पर रह करो इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ चोरी ठगी ये बकवाद मिलावट छोड़ो बेड़ी शराब मास्तमा खो परित्याग करो चोरी जारी खत्म करो ये है बैराग अगर भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रो बाहर तो सुरती उसमें रहेगी आपकी तो कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने बिना सतगुरु नहीं चोट निशाने सतगुरु के बिना निशाना पर चोट नहीं लग सकती अपना अपनात्मा सीतानंद गणपुर गरीबदास जी ने बताई है इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा कोटो मध्य गर्क सुनो इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट छोटी मोटी कथा थी कबीरपंथी भी सुनाया करते जैसे ये जम्मू के अंदर आंजड़ी वाड़ा श्री मधुपर वंश के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते के जी एक जम्मू से आता है पर उसका सत्संग आता है टीवी पर साधना पर और वो नो की सही आप जैसा ज्ञान देता है जो पी भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके क्योंकि पढ़ पढ़ आके यही पता चला किसा ज्ञान दिया करता है धोती धोती सी उसकी कखता नो मिलता जुलता ज्ञान तो कोई भी सुना दे पट पड़ पढ़ा के इससे नहीं बात बनती क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशा नहीं नहीं। तो कहते है कोटो रह को मकरा अरबों में कोई ग्रक्षण रह झू जैसे कोई एक नाम जब जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं वो के नाम दे है किलियम कृष्ण के लिए हो गया ज्ञान पूरा यो एक गाडी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जा चला हट जा गाडी आएगी ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोरस कम्प्लीट कृष्ण नाम की तो है गीता में और ये किलियम नाम कहाँ से लाए परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र सा, ये सात मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये कंप्लीट कोरस है और फिर दो अखर का सतनाम वो अलग है तो यहाँ क्या बताते हैं अरबों में कोई गर्ग सुनो रूम करा अब संत किसे कहें मार्गदर्शक एक गांव में दस हजार परिवार होंगे ना इस किसी गांव में तो उसमें पांच हजार गुरु पावंगे पांच हजार क्यों छोटे बट बालक बोल कर बूढ़े वो तालक हो जाते हैं जैसे एक लड़की का एक माई का बालक रोया था पड़ोसन आ गई वो कहन लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया बहुत देर सिर हो गए इन कह वह कहेगी बारली का बोल दे थर इसका बारि बार का हो रहा है बारली माता का वह सवा रुपया दूसरी नुके भीतर लिखा और बोल दे तीसरी आओगिन श्याम जी का दर्द दे तो एक प्वाइंट पर बीस गुरु हो जाएंगे तो इन परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये रामकृष्ण की गुड़गानी है हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है झाड़े लानी है और ये आप देख रहे हो आज संता की तरज जो, जो कर वर्षा के दिना मिंड कर ये कीड़े मकोड़े हो जाकर ना इतने संतोरे काल ने इतने बेच दिए ये अरेब सारा नसीब दे कर दूंगा मेरे पास वो ज्ञान है कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानडी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान और जैसे गोला तो कायम करता चला है। मैदान ये सब का मैदान हो जाएगा गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों को में कोई गुरख सुनो रह लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने अरबिन सतगुर नी चोट निशाने सही यथारत ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है हुआ बाई बक्के फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता है। सटदल हुआ बाई बकता बारे बाट बिटम बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगौरी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा है व्यर्थ है वैदा वाणी योदल संयासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न संवे निर्वाणी निकंस निसारा भूल गए हैं वो ब्रह्म दवारा जंगम जैनी फोकट फैनी नाम नचीना गुरु ना, नगन निराशा तनकू त्रासा और पशु प्राणी स्वान समानी को नंगे आंडे हैं तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे क्या इन्होंने भगवान मिल जाएगा शरीर ने त्रास देने लग रहे जन यथार्थ ज्ञान बिना डेट ढो रहे हैं ये वेदा ये भी है वेद पुरानी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले ओए हए कहते वेद पुराण इनके इनको पढ़ कर इनके अर्थ इन तो समझ में आए नहीं खुले नहीं अरे इनकी और कुछ कहानी बुणा बुणा के बकवाद कड रखी समाज में वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा फिर क्या बताते हैं सन्यासी बैरागी से बड़े ये तन पर छार लगा हुए हैं छार माने राख को और पचीसो लड़के ये धू धूदार मचा हुए हैं यो भी बैदा है बेदे से बेद अलैदा यो भी बेदा बैधा क्यों जाण्या सबने सतगुरु बैठे नू जाण्या रीपदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ यो भी गलत यो भी गलत ये भी गलत तो आपने कैसे पता लग गया तो गरीबदास जी फैसला कर रहे हमने सतगुरु मिल गए नू जाने क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब और सतगुरु भी और परमात्मा भी वो आप ही है सत्ता ज्ञान देने आते हैं क्या कहते हैं बैरागी सन्यासी बड़े तन पर छार लगा हुए हैं और पांचों नार पचीसो लड़के धूं धूदार मचावे हैं क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया जैसे एक गरीबदास जी ने लिखा है एक नारी त्याग दिनी पांच नारी गैल पाया ना मुक्ति का सुख देव सुखदेव सैल सैलवे एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं किस लिए घर कि क्यों छोड़ा कि उन्होंने अपनी पत्नी को किस लिए त्यागा क्योंकि घर त्यागना को हंसी खेल नहीं लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है तो उस बोढ़ी आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा अब किस लिए गया उस जंगल में वन में इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी उसमें उसकी आस्था बनी रहे थी और वो भक्ति नहीं कर सके था उसने अपने जुगाड़ में सोचा ये परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग और पांच नारी गैल बे गैल माने विद साथ कौन कौन सी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नारी को अपने इसलिए छोटा बाद थी और ये भी, ये है सबसे ज्यादा भक्ति भक्तिवादक है तो इन पांचों नारियां ने तो गेले फिर एक नारी छोटे जंगलों में दादो ना लाया जी जी। के डले रहे थे परमात्मा कहते हैं फिर वहां जाकर बैठ गया कबीर साहब कहते हैं कबीर ये मन के मारे बन बण गोये अरबण तदवस्ती माँ कह कबीर के करू यो बण मन तब माने ना एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ दो बच्चे थे छोटे छोटे एक दो तीन वर्ष का एक, एक वर्ष का प्रेरणा होगी घर छोड़ कर चला गया साधु बन गया फकीर अब किसी संत का फस गया प्रेरणा देखो साधु परमात्मा की पाणी की सबको पता है वो फंस गया से नकली नाथ का उसने पाट दिए कान बना दिया बाबा बड़ी बड़ी डाडी लटा रखा दी बारह वर्ष हो गए फिर उसको कहा के ले बेटा तू तो कुछ भिक्षा मांग लिया बारह वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगण गया भिक्षा देने आई उसको एक बहन उसका छोटा सा बालक एक तैंतवा गोदी में ले रही एक उसका दामन पकड़ के कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया उस बारह वर्ष के बाद उसने सोचा तू तो भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था और इस एक औरत क्यों कृपा लाई इसका पति ना होते उसको प्रेरणा फिर वर्गी को ज्ञान तो था नहीं बस कि डल रखे थे वो तो ये क्या करे बाहर जो संत है ना ये क्या करेंगे इन भाग प्याओगे इन्हें पता जाओ समाजी फिर बच जाएगा तो मूर्ख बना के रखे सुल्फा प्याये जाएंगे वो लाए रहे सु तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहे होगा थोड़ा बहुत वो, तो वो याद आएगी इसके उसने सोची अग बाबा मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की कि एक बार देख के तो आना चाहिए वो मृग एक जीव है तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ फिर मन में आई रे छोटे ने वोली जाली फिर दस कदम इधर चला फिर ने सोची रे देख कांड में की से यानी छह बजे इधर चला छह बे इधर आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं खेत थे उनके किसान था कि वहां पता लग जाएगा खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए तो उसने खेतों में जा रहा था आवा था अपने खेत की तरफ वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम रहे थे बंटवारा कर रखा था अब उसके देवर ने कहा उसकी अपनी बाबीता ही कि मेरा भाई आवे वह कह लगी तू तो मजाक मत कर अगर सारी अंड नहीं आए वाची बात लग गए मेरा क्यों याद दू आवा तू ओनू बोला साची कहू देखो आन लग रहा वह बोली ना तो बाबा जी है वह बोला चाल त लगे कैसी और बारे खेत का नहीं बाबा आके का मान का ओ पाओगा वह बोली रहने दे वो बोली आ भीगा तो फिर जागा उन्हला रख तो मैं दूंगा इसने पर मेरा थोड़ा सा साथ दे 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 बोली क्या करूँ अगर मैं इस तुम्हारे खेत में है इस अपने अब अप दोनों का साधला मैड थी डोडा और उसके दो फुट तीन फुट अंदर बाबा जी खेत में एक शीशम थी अच्छी मोटी भारा ने बोला मैं इसने तो काटूंगा और तू शोर मचा दिए अगर आज मेरा पति होता तुत कैसे काट लेता तू मेरी की कर इस शीशम ने आज मेरा धनी नहीं है ना तो हर जगह अपनी जबरदस्ती करता है वो बोली ठीक से अब वो खे, खेत में आले आली ले जाता है। साथ में छोटा कुआडिया हफ्ते के सीसम कट्टे थी वो उसका लाग गया मारने वह लग गई शोर मचाण क्यों क्यों कट है हमारी सीशम ने वो वो कहा मेरे खेत में है वह बोली झूठ बोला देख दो फुट हमारे खेत चार फुट मेरे खेत में है तो फिर उसने जो बतलाई हुई थी बात वह सारी ऊंची ऊंची लाग गई बोलण कि आज मेरा खसम होता तो तू तो के काट लेता देख संगा कर बाबा जी ने सोचा युरा भाई है, या पत्नी है इनका के झगड़ा हो रहा एक जोवार थी जवार खड़ी थी ऊंची ऊंची खेती उसका वहां कबड़ गया सुनते लो जानते बोल रहे हे बोड़े सुनी उन्हें सारी कहानी बाकी तो भाई मारी ही न काट रहे हैं तो वह कह रही थी कि देखो आज मेरा पति होता तू तो के काट लेता देख सरेआम मेरे खेत में तो उसने सोची तो भाई बात बिगाड़ दी मारी शीशम काटे खेत के में और अपनी बतावे एकदम बारह कहने बोला रहे एक, है। एक नहीं है मैं भी आ लिया हूं अब उसका भाई उनके तो बात पसंद बतलाई थी वो बोला रहे तू कौन भाई बीच में ना बोला कर किसी का ना पिटेगा तू झाड़े बोला मैं सीशम वाला हूँ <laughs> बाबा जी बोला ने बोला जाता रहता सीसम वाला मेरा भाई शाह था तेरा गैसा दाडी थी ना मुल सु दिया आदमी भाग थे वो बोला अच्छा डट जाने खेतों में कोई ना ही आ रहा था किसी के बाल काटने उसके पास गया ना बोला मेरी दाडी काट फटाफट अरे फटा। बाल काटे बोला के बात बेला फलाना होने पिछाड़ता कोई ना हर शीशम काट लाग रहे नाई ने कर दिया काम जो मशीन फेर दी आके न बोला देख ओए हूं। ये हूँ ने बोला आइए मेरा भाई शीन लगा लिया छोटे भाई ने ने बोला समाड़ी सी सब ने पकड़ा दिया भाई ने हो गया बाबा जी जैसे थे अब कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तजी माँ कह कबीर के, के करू यो मन तो मन है ना मन मानना भगवान के ज्ञान ते अभी अभी यो बकवाद करके दिखाई वो मन ऐसा ज्ञान दे देंगे कहीं रही हो भगवान साथ साथ चलेगा अब क्या बताते हैं एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे वामो मू कि नारी गेलाती लाई उल्टी है उसने तो परमात्मा कहते हैं इनको तू यहीं घर पर रह के त्याग आत्मा जब इस चीज न मान लेगी तो फिर कितना रहे तू तो? ये संसार के बारे में इस ज्ञान से पता लग जाएगा हम कुछ दिन के मेहमान हैं परिवार हमारा एक संस्कार से जुड़ा हुआ है परमात्मा के बच्चे हैं इनको हमने उस परमात्मा से दिए हुए जो मालिक देता है धन उसके आधार से इनकी परवरिश भी ना करते हैं तो भी हम दोषी हैं क्योंकि जैसे एक नौकर होता है और उस नौकर को मालिक पूरा जेब खर्च देता उसके बच्चों के कपड़े लिया का खाना खिलाने का और उसमें से जब वो गलती करता है उनकी नई सेवा करता है तो फिर वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा उसको खूब पता होता है तो वो अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देता है मालिक के बच्चों को और उसके द्वारा दिए हुए धन को उन्हीं पर व्यय करता है तो इसी प्रकार इस ये सभी उस परमात्मा के संस्कारी हंस हैं आपका कर्तव्य बनता है इनके पालन पोषण उस मालिक के दिए हुए उसको धन से लेकिन इनको अपने मानना यह आपकी मूर्खता है या अज्ञानता ये इस ज्ञान से की चांदने से हट जाएगी जैसे वो नौकर नौकरानी उन बच्चों को इतना प्यार करती है अपनों से भी लगभग अपने जैसा ही और जब उसको वहां से तो नौकरी छूट जाती है फिर झांकती भी ना उसकी तरफ उसको पहले पता था मेरे नहीं है लेकिन मालिक ही तो है उनसे भी प्यार रखना है तो ऐसे भाव बनेगा आपका एक दिन ये सतकर मान लियो इस ज्ञान से बनेगा और भक्ति की शक्ति आपके इस मन की बकवादों को सथिर कर देगी ना नो की नो बात है तो फिर डगमग होने की जरूरत है ना अपने बकवाद चोरी दारी ठग्गी और खोरी किस लिए करेंगे कर्म फोड़ने जो परमात्मा हमें देगा हमारे संस्कार में और उससे भी अधिक देगा भगवान मिल गया हम दो नंबर का काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा नहीं रहेगा आपका और वो पाप न्यों के नो रह जाएंगे ये बहुत लंबी कथाएं हैं और तो को बताना चाहता था कि ये इस प्रकार उस परमात्मा की भक्ति से ज्ञान से इस तत्व ज्ञान के अंदर ये सारा निर्णायक ज्ञान है इससे आपको उस परमात्मा के पाने में घर बैठे ही सुविधा रहेगी जैसे कबीर साहब कहते हैं कि डब करें डूंगर चढ़े अंतर जीनी झूल अर्जक जाने यो बंदगी करे यो बो है सोल बबूल जैसे एक ऊंचे से टीले पर बैठे अगर बाबा जी हमने देखे कई जगह सब सबने दिखे धूणा ला लिया चमटा गाट दिया नो बैठा तो आम आदमी पर भावित तो होता आत्मा तो देखती है कि भगत है माथा टेकेंगे उड़ा पूछो ढावा शुरू हो जाएगा उड़ा, उड़ा उसका आश्रम बन जाएगा परमात्मा कहते हैं ये साधना है कहते हैं डुम्ब करें पाखंड करें डूंगर चढ़े ऊंचे व बैठेंगे और अंतर जीनी झूल अंदर न्योकी वह पांच नारी त्यार बैठी और जग जाना यो बंदगी करे भगती करे ये बोसूल बबूल तो कबीर साहब कहते हैं घर छोड़ कर चले गए फलाहार करते हैं नगरी में भी नहीं आते आदमियों को देख कर भाग कर गुफाओं में पड़ जाते हैं उसे उसे साधु बोली श्रद्धालु ने सोचा भाई महात्माएं पढ़ा है दमियों के दर्शन भी ना करता कबीर साहब कहते हैं केले की कोपीन है तन पर कपड़ा भी नहीं केले का पत्ता बांध पे केले की कौपीन है फूल फान फल खाई और नरका मुख नहीं देखते दो बस्ती निकट नहीं जाय वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाई निश्चिन फिर उजाड़ में नो भगवान पावन आई डेरे डंडे खुश रहो खुशरे लेना मोक्ष यदर ऊपर लादू दर्गे बता गर्मा के दोस्त जिन धरु और प्रहलाद को तुम पार मानते हो ये घर में रहे इनका ब्याह हुआ बालक बच्चे थे फिर सत्साधना करो जो जिस सतर की उन नकरी करी और वो घर में करी उनको तुम मोक्ष मानते हो और दो साधना बताएंगे डेरे डंड खुश रहो यदि घर छोड़ कर जानते हैं या केवल बाल ब्रह्मचारी रहते तो, तो दुराचार बुरा बताया भगवान ने कहते हैं डेरे डंड खुश रहो ये खुशरे लेना मोक्ष मोक्षर लाद भी गए फिर गृहस्थी में के दोष तो इस प्रकार परमात्मा ने दो साधना बताई पुण्यात्माओं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है इसको ग्रहण करो अपना कल्याण करवाओ बोलो सतगुरुदेव <laughs> आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट